अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमजा ज़ेब और आप मेरा डिजिटल मीडिया देख रहे हैं। कहते हैं कि बिछड़ा कुछ सदा से किरुत ही बदल गई, एक शख्स ने सारे शहर को वीरान कर दिया। अरशद शरीफ साहब को जिस बेदर्दी से शहीद किया गया है, इसकी मिसाल हमें नहीं मिलती। यहाँ पर जो सहाफ़ी मौजूद हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शमें जलाई हुई हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है इस सारे केस को लेकर, वो आप तक पहुँचाते हैं। आइए हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे सीनियर राय साकिब खरल साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यार? ये सवाल बनता नहीं है कैसे हैं, जो आपकी हालत है वही मेरी हालत है। ये जब से अरशद साहब वाली खबर आई है ना मेरी जान, उस दिन रात के बाद सलाम करते हैं हम लोग सहाफ़ी ऑफिस में एक दूसरे को और एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, तो टूट से गए हैं यार उसमें आके ना। अरशद साहब चले तो गए, सवाल जहाँ पर हम सब के लिए छोड़ गए, वहाँ पर एक दफ़ा हम सब के हौसले भी तोड़ के चले गए। वक्त लगेगा, इकट्ठे होते इकट्ठे होंगे, इंशाल्लाह होंगे, क्योंकि अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो अरशद साहब जो सवाल छोड़ गए वो कौन करेगा उनके बाद। कीनिया की पुलिस की जानिब से जो मौकिफ अपनाया गया, गाड़ी में बच्चा था, उस गाड़ी की मुशाहबत अरशद शरीफ साहब भी बकवास है। पहले दिन उनके अपने जो लोकल पेपर्स हैं द नेशन, जो केनियन है, उन्होंने वो स्टोरी उठा के रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दी थी कि यार सब बकवास कर रहे हैं ये लोग। इमेजिन कीजिए ना आप कि आपने गाड़ी रोकनी, आप टायर में फायर मारोगे यार, आप ड्राइवर को गोली मारोगे यार, मैक्सिमम गाड़ी भाग गई है, नाके पे नहीं रुकी गाड़ी, आप ड्राइवर को गोली मारोगे, पैसेंजर सीट पे बैठे हुए बंदे को तो नहीं मारोगे। फिर आप क्लेमेंट हो या आप क्लेम करते हो कि जी हमें शुबा था कि ये अगवाशुदा बच्चा इस गाड़ी के अंदर है, तो इसका मतलब है उस बच्चे को भी मारना चाह रहे थे। आपने 9 गोलियाँ मारी हैं और 9 गोलियाँ देखे जिस स्पॉट से लगी हुई हैं, सीधी पैसेंजर सीट वॉज द टारगेट। और अरशद साहब की जो जो डेथ हुई है वो पीछे से गोली निकली है, तो यार आप हेडशॉट लेके गोलियाँ मार रहे हो, किस किस्म की पुलिस हो आप? पुलिस नहीं, मैं तो कहूँगा किराए के कातिल हो। क्या आप हेडशॉट लेके बंदों को गाड़ी रोकने के लिए गोलियां मारते हो? आप किस तरह की पुलिस हो? पुलिस का तो तरीकाकार ही सिंपल है यार, रोज देखते हैं ये प्रैक्टिस है आम कि पुलिस अगर गाड़ी रोकनी हो और अगर गन फायर पर रोकनी हो तो टायर में फायर मारा जाता, पहले हवाई फायर कर लो और फिर नीचे मारो। क्या अरशद शरीफ की गाड़ी में से किसी बंदे ने उनके ऊपर फायर किया था? बिल्कुल नहीं, बंदूक निकली नहीं, बकवास है, रबिश है। साकिब भाई, जहाँ पर एक अफसुरदा सी फजा बरकरार आ रहा है, वहीं दूसरी जाने मुल्क से बाहर से एक ट्वीट होता है मरियम नवाज का, क्या कहेंगे उस पर? लोग एक्सपोज हो रहे हैं, औकात बता रहे हैं अपने, मुझे सारे दोस्त के इसी पे कमेंट चाह रहे हैं, आज मेरा दिल नहीं कर रहा उस पर कॉमेंट भी करूँ। कुछ लोग इतने गिर जाते हैं किरदार में, कुछ लोग इतने घटिया हो जाते हैं किरदार में, सॉरी टू से दैट, सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ लोग अपने किरदार में इतने अपने अमाल से इतने गिर जाते हैं कि उनके ऊपर कमेंट भी नहीं करना चाहिए, उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सियासतदानों की रविश बदलती हुई दिखाई दे रही है इन फ्यूचर? नहीं बदल रही। क्या वजह? मुझे खुशी होती है कि राना सनाउल्ला साहब कहते हैं कि जी मैं इमरान रियाज साहब की जो वालदा और उनकी फैमिली है वो जाके रिसीव करेंगी मैयत, उसके ऊपर भी सियासत कर रहे हैं, मैं रिसीव करने जाऊंगा, कोई कह रहा है मैं रिसीव करने जाऊंगा। तुम लोगों ने जो करना था कर लिया यार, राना साहब तब आप कहाँ पे थे जब वो मुल्क छोड़ के जा रहा था? वजीर दाखिला तो आप थे, तब आप कहाँ पे रहे जब वो कह रहा था मेरी जान को खतरा है? तब आप कहाँ पे रहे जब आप ही की हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम है मुजना तौर पर, आप ही की हुकूमत दुबई को कहती थी बंदे को निकालो यहाँ से? छट दो ड्रामे ना करो पाकिस्तानी आवाम को, आपकी पता है औकात क्या क्या है, आपके सारे नकाब जो है वक्त के साथ साथ उतरते आ रहे हैं और ये नकाब उतारने में अरशद शरीफ जैसे भाइयों का बहुत हाथ है। कि जब किसी के मुंह को खून लग जाए तो वो खून बार बार पीने की कोशिश करता है, ये खून लगा हुआ है, हो सकता है कल आप मैं या हम में से कोई भी, अल्लाह ना करे ये वक्त आए, निशाना बनाए, ये पैगाम यही दिया गया है कि मुंह बंद कर लो वरना हम तुम्हारी जबानें बंद कर देंगे, जबानें काट देंगे। जबानें काटने से बात अब हमारे गले काटने पर आ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, ये एक रस्म है, ये रीत है, ये चलती आई है। वो इधरा सितमगर हुनर आजमाएं तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएंगे, वो सिलसिला चलता रहेगा मेरा ख्याल है। गुफ्तगू आपने सुनी है, यहाँ पर बाकी जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। ये जी बड़ा अजीब मौक़िफ़ है वैसे, ये हमारे यहाँ तो चलो मॉडल टाउन में इधर उधर ऐसे वाक़यात हो जाते थे ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हो गलती से गोली लग गई, फायर घुस गया, लेकिन वहाँ भी चले ठीक है, उसी तरह की पुलिस है क्योंकि तरक्की पजीर ममालिक है ना, तरक्की याफ्ता ममालिक तो में हम रह नहीं रहे, ना वो कीनिया है ना हम में। लेकिन अगर चलें लेट्स सपोज अगर गलती भी होगी तो ये कैसी गलती है कि टायर पर गोली नहीं लगती, ये कैसी गलती है जिसमें अगर बच्चा पीछे बैठा हुआ तो उसको गोली नहीं लगती और फिर भी लगती है, ये कैसी गलती है कि ड्राइवर सेफ है, ये कैसी गलती है कि सीधा निशाने पे ही गोली लगती है? ठीक है ना, दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। ये अलार्मिंग भी है और ये तो ऐसे ही है कि कोई इतफाक है चल रहा था और उड़ती गोली आ गई, भाई उड़ती गोली का भी कोई एक दाएँ बाएँ कोई निशाना होता है ना, ये तो मैं ये मंतक मुझे नहीं समझ आती, हज़म ही नहीं होती। अगर मैं सोच भी लूँ ना कि हाँ अच्छा मुझे ज़िंदा रहना है, आपको ज़िंदा रहना है, और हम कहें अच्छा चलें जी हादसा समझ के खामोश हो जाते हैं, भाई कैसे? अगर प्लान करना भी था तो अच्छा प्लान तो करते ना। आपको लग रहा है पुलिस की जानिब से जो मौकिफ अपनाया गया उसमें तजाद है, झोल मौजूद है? ये मैं अभी इस पर व्लॉग भी मैंने किया है
और वो मैं उस पर अभी थोड़ी देर बाद अपलोड भी करूँगा, और उसमें सारी मैंने इस तरह की चीज़ें भी बताई हैं कि जो झोल तो उसी से समझ आ गए। मैं थोड़ी सी एक इशारा दे देता हूँ कि ये जो बच्चे वाले जो बात कर रहे हैं ना कि वो बच्चे का, वो एक से डेढ़ घंटा पहले उसका क्लियर हो गया, वायरलेस हो गई है वहाँ। ये कीनिया की एक सहाफ़ी ने मुझे बताया है कि वो क्लियर हो गया है, और ये एक से डेढ़ घंटे के बाद ये वाक़या है, और 40 किलोमीटर का फ़र्क है। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जिस तरह से जाली पुलिस मुकाबले होते हैं, वहाँ भी किसी ने जाली पुलिस मुकाबला कराया। कहा थी कि हमने आरजी रुकावटें खड़ी की, गाड़ी वहाँ पर नहीं रुकी, हमें मजबूरन फायरिंग करनी पड़ी। कीनिया का एक रूल है, और वो रूल ये है कि अंटी अनलेस आप, ये वैसे तकरीबन तमाम ममालिक में होता है कि अंटी अनलेस आपको कोई गोली नहीं चलाता, क्रॉस फायर नहीं होता, आप नहीं चलाते, आप हमेशा डिफेंसिव हो गए एज अ पुलिस पर्सन, ठीक है ना। एक पुलिस का जवान जो है वो हमेशा डिफेंसिव हो, अगर वहाँ से गोली नहीं चली, या तो फिर कीनिया की पुलिस ये बता दे कि गोली चली है, फिर तो हम कह लें हाँ अगर गोली चली है क्रॉस फायरिंग तो हुई नहीं है, तो फिर ये कैसे आप कह सकते हैं कि उनकी उस तरह से फायरिंग हुई है या उनके पास वेपन था। नहीं दानिश भाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मरियम नवाज की जानिब से जो ट्वीट किया गया उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उजुदे पशमा का पशमा होना, ये शेर आज गलत हो गया, अब पशमानी भी नहीं रही। अब हम ऐसे दौर में आ गए हैं जहाँ एक टॉप लीडरशिप, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की टॉप लीडरशिप, और वो खातून जो कि एक क्यू लिस्ट में है प्राइम मिनिस्टर की, मतलब ये मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि आने वाले वक्त में वो शायद प्राइम मिनिस्टर होंगी, आपका कैलिबर प्राइम मिनिस्टर लेवल का है, और आप किस तरह की बातें करें। मैं समझता हूँ कि ये सेब नहीं था, दिल दुखा है, यकीन मानिए, और मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था मरियम नवाज साहबा से, एक अच्छी खातून है, लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए था। एक वीडियो मंजरे आम पर आई, नवाज शरीफ साहब केक काटते हुए दिखाई दिए, एक तरफ पाकिस्तान में एक ऐसे सहाफ़ी, मंजे हुए सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब शहीद हो गए, वहाँ दूसरी जानब मियाँ साहब केक काट रहे हैं। देखें दिवाली थी, दिवाली ठीक है, हमारे हिंदू भी भाई हैं, पाकिस्तान में भी बसते हैं, हिंदुस्तान में बसते हैं, पूरी दुनिया में, और उनका एक इवेंट है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। जब भी पाकिस्तान में कोई सानिया होता है ना, हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हमारे जो हिंदू कम्युनिटी है, वो अपनी खुशियां, अपनी ईदें तर्क कर देती है और बड़ी खामोशी से सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे ही है। अब ये कौमी सानहा था, शायद कई ऐसे हिंदू भाई होंगे जिन्होंने दिवाली बड़ी खामोशी से मनाई होगी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तो बड़ी धूमधाम से मनाई है। अब ये बता दें हमें कि भाई खुशी किस बात की थी। इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौज़म भट्ट साहब मौजूद हैं, इनसे मौकिफ़ जानते हैं। मौज़म कैसे हैं, खैरियत? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल। भट्ट साहब ये बताइएगा, अरशद शरीफ साहब को जिस तरह शहीद किया गया है, ये आपको लगता है सोची समझी साजिश है, या कीनिया की पुलिस की जानिब से जो मौकफ अपनाया गया है वो दुरुस्त है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखें कीनिया की पुलिस के बारे में मौकफ हम तो यहाँ से बैठकर एक एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन जो कीनियन लोग हैं, जो वो उनके बारे में बता रहे हैं, वो तो ये बता रहे हैं कि ये तो भत्ताखोर, ये तो फेमस हैं कि ये पैसे लेकर बंदे मारने पे। और आपने जब उनके ऊपर ये भी देखा होगा कि ये भी कहा गया है कि आपने अब कीनियन के बाद अब आपने फॉरनर्स को भी मारना शुरू कर दिया है, ये उनकी पुलिस के बारे में कहा जा रहा है। तो मतलब डेफिनेटली ये टारगेट किलिंग है, 9 गोलियां मारी गई हैं, और ना वो बच्चा मिला जिसको ताकों में गए, ना ये वो गाड़ी थी, और ना आगे कोई ऐसा रास्ता था जो कि ब्लॉक था, ये डेफिनेटली एक जो है प्लान था, टारगेट किलिंग थी। किसने कराया ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्या यहाँ से इसकी प्लानिंग हुई है, या फिर इसकी आड़ में दुश्मन मुल्क ने इसका क्या कहते हैं इस तरह के वाकयात को थमते हुए आपको दिखाई देते हैं या बढ़ते चले जाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल में हमेशा हिस्ट्री में देखें तो पहले भी ऐसे होता रहा है। आपको खुशोगी का पता था, जैसे टर्की में उनका कत्ल हुआ, और अब अरशद शरीफ साहब का हुआ है, आगे भी होता रहेगा। लेकिन इसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसको रोकना कैसे है, इसको रोकने का एक ही तरीका है कि जब अरशद शरीफ साहब यहाँ से जा रहे थे ना, तो तब ये गैदरिंग की जाती, उनके आखिर उनको यहाँ से जाने क्यों दिया गया, क्यों उनके लिए इतने मुश्किल हालात किए कि आप उनकी ज़मीन तंग क्यों कही कि उनको बाहर जाने पर मजबूर किया गया। लोग तो कह रहे हैं ना उनको हिरासा भी किया गया। डेफिनेटली हिरासा भी किया गया, उनको UAE से बाहर निकालने के लिए फोर्स किया गया। आखिर ये हम तब क्यों नहीं इकट्ठे हुए, हमें तब बोलना चाहिए था, जब एक जान चली जाती है हम तब हमें ख्याल आता है। हमेशा ऐसे हुआ है, आप रेप केसेस में देख लें, आप चाइल्ड अब्यूज़ देख लें, आप जो भी हमारे मुल्क में जुल्म होता है हम तब बोलते हैं जब वो हो जाता है। हमें अब समझ आ जाने की अरशद शरीफ साहब जुल्म हो रहा है, वो बाहर क्यों जा रहे हैं भैया, उनको क्यों नहीं रहने दिया जा रहा, कौन उनको बाहर जाने के मजबूर कर रहा है, कौन उनके चैनल बंद करा रहा है, कौन उनका प्रोग्राम बंद करा रहा है, हमें क्यों नहीं पता, सब पता है। हमें तभी यहाँ पर इकट्ठे होना चाहिए था, तो आज अगर तब इकट्ठे होते तो आज हमें इकट्ठे होने की जरूरत ना पड़ती। गुफ्तगू आपने सुनी, सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद थे, अरशद शरीफ साहब के लिए शमें भी रोशन की, तहकीकात की जाएंगी। कीनिया पुलिस की जानिब से जो मौकिफ़ अपनाया गया वो एक तरफ, मरियम नवाज़ की जानिब से जो ट्वीट किया गया बाहर बैठे वो एक तरफ, क्या सच है क्या गलत है, दिल मुझ समेत तमाम सहाफ़ी भाइयों की अफसरदें, तहकीकात होंगी, सच सामने आएगा,
फिर पता चल सकेगा कौन सही है कौन गलत है। इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा ज़ैब को इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।